अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदि आप सभी का अपना चैनल इस्लामी की रीजनिंग में बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और अगर आप मदरसा बोर्ड की तरफ से कोई भी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं और सबसे पहले सुनना चाहते हैं और सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप सभी का इस्लामी की रीजनिंग चैनल फौरन ले आता है न्यूज़ अपडेट। और इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं और गुजारिश करता हूं कि अपना चैनल इस्लामी की रीजनिंग को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सिंपली आपको मैं बता दूँ, देखिए दफ्तर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना की जानिब से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि अभी फॉर्म भरने का डेट भी ख़त्म नहीं हुआ और अभी से ही इम्तिहान के प्रोग्राम का तारीख तय कर दिया है कि किस रोज़ किस दिन होगी इम्तिहान और किस दिन से लिया जाएगा। तो चलिए आगे भी देखते हैं क्या है। तो आप सिंपली मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इम्तिहान प्रोग्राम पर आए दर्जा फौकानिया मौलवी 2021। जो भी हजरात, जो भी तलबाए कराम इस वर्ष, इस साल 2021 में मौलवी और फौकानिया के जो भी फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है मदरसा बोर्ड की तरफ से कि वो तारीख का ऐलान कर दिया है कि हमको किस दिन से एग्ज़ाम लेना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए, पहली निशस्त 8:45 सुबह से 12 दिन तक, दूसरी निशस्त 1:45 से दोपहर से 5 शाम तक। तो इसमें आप ये समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि पहली निशस्त यानी पहली सिटिंग जो पहली घंटी 9:15 से शुरू होगी और 12 आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा जो घंटी लगेगी वो दूसरी सीटिंग, सेकेंड सीटिंग जो है 1:45 पे शुरू होगी दोपहर में और 5 शाम तक वो एग्ज़ाम चलेगी। उनके बाद देखिए आगे किनका किनका कह रहा है। फौकानिया का दिया हुआ है, देखिए पहले फौकानिया का मैं आपको समझा दूँ। देखिए, देख रहे होंगे आप फौकानिया लिखा हुआ होगा। तो चलिए फौकानिया का किस दिन से है, तारीख देखिए 11/1/2021 यानी कि 11 जनवरी 2021 बरोज सोमवार से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। दिनियात अव्वल और दिनियात दोम दोनों होगा। पहली निशस्त में दिनियात अव्वल और सेकेंड सीटिंग में दिनियात दोम का एग्ज़ाम होगा। उनके बाद 12/1/2021 यानी 12 जनवरी 2021 बरोज मंगल के रोज अरबी और फारसी का एग्ज़ाम होने वाला, आप सभी का फौकानिया के लिए मैं बता रहा हूँ। उनके बाद 13/1/2021 यानी 13 जनवरी 2021 बरोज़ जुमेरात को उर्दू और हिंदी रखा गया है, बरोज़ जुमेरात को उर्दू और हिंदी रखा गया है। उनके बाद देखिए 14/1/2021 बरोज़ जुमेरात को हिसाब यानी मैथ और साइंस रखा गया है। उनके बाद देखिए 16/1/2021 बरोज़ सनीचर को मुताला समाज और इख्तियारी मजमून, जो ऑप्शनल, जिसे ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं हम लोग, उसमें आप जो भी रखे होंगे, अंग्रेज़ी हो सकता है, उनके बाद एडवांस मैथ हो सकता है, माशियात, होम साइंस, ये सारा है। उनके बाद फिर देखिए क्या मौलवी का है। मौलवी का पहली निशस्त में पहली सीटिंग में होगी दिनियात अव्वल और दूसरी सीटिंग में दिनियात दो। उसी तारीख को 11 जनवरी 2021 को ही होने वाला है मौलवी का इम्तिहान, दोनों इम्तिहान एक ही दिन शुरू होगा। उनके बाद दूसरे दिन 12 जनवरी को, देखिए 12 जनवरी को है दिनियात सोम, यानी कि मौलवी में दिनियात तीन किताब है दिनियात की, इसमें दिनियात अव्वल, दिनियात दोम और दिनियात सोम है। उसमें दिनियात सोम दूसरे दिन भी है और अरबी क्या कहते हैं सेकेंड सीटिंग में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। उनके बाद फिर है तीसरे दिन फारसी और उर्दू। उनके बाद फिर चौथे दिन है मुताला समाज और हिंदी। उनके बाद
सबसे लास्ट 16 तारीख को जो आप लोगों का इख्तियारी मजमून, सिर्फ एक ही इख्तियारी मजमून जो है, सिर्फ आप लोगों का एक ही किताब रहेगा लास्ट के दिन, और फौकानिया वालों का दो किताबें, मुताला समाज भी है और सेकंड सीटिंग में इख्तियारी मजमून यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। आप लोगों का मौलवी वाले जो स्टूडेंट हैं उनका सिर्फ और सिर्फ इख्तियारी मजमून रहेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ पहली घंटी में होगी, उनके बाद दूसरी घंटी उनका खाली एग्जाम खत्म हो जाएगा उनका। तो देखिए ये क्या है, इख्तियारी मजमून में अंग्रेजी, तारीख इस्लाम, माशियात, नफ्सियात ये सारी हो सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई दुश्वारी पेश आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट में ज़रूर बताइए कि मुझे ये गलतियाँ ये दुश्वारियाँ आई तो मैं इनको पूरी कोशिश करूंगा सुधारने की। तो चलिए बस आज के लिए मैं बस इतना ही लाया था। बस इसी तरह आपको मेरे इस चैनल इस्लामिक रीजनिंग के तरफ से, मेरा ये चैनल है ISLAMIC इस्लामिक रीजनिंग की तरफ से, इसी तरह का हर न्यूज़ अपडेट मिलती रहेगी। चलिए बस आज की वीडियो बस इतना ही, आइंदा की वीडियो के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।